चल चल, तेरा ही वेट कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज लंबे समय के बाद मैं आप सभी को इस व्लॉग के जरिए मिल रहा हूँ। तो दोस्तों, व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन बटन प्रेस करो, जिससे मेरे अपकमिंग व्लॉग आपको नोटिफाई होते रहेंगे। तो दोस्तों, अब सुबह के 6 बज रहे हैं और आज हम मुंबई से, मतलब बोरिवली से, करीबन 80-82 किलोमीटर दूर स्थित मोरबे डैम ब्रेकफास्ट राइड के लिए निकल पड़े हैं। और मेरे साथ BOM के अर्जुन, विकास, महेश, अपूर्वेश और आगे सर्वेश और मंथन भी ज्वाइन होंगे। तो दोस्तों, अब सर्वेश भी जुड़ चुका है, वो तो पहले से गियर अप था तो रुकना नहीं पड़ा। दोस्तों, मुंबई के रास्ते जब इस तरह खाली मिलते हैं ना तो बहुत बड़ा मजा आता है। अब सनलाइट भी अच्छा खासा फ्लो हो रहा है। तो चलो, यही कहीं पे आगे मंथन हमारा वेट कर रहा है। क्या राजू, चलो बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, ये देखो, दोनों स्कूटी वाले राइडर्स, इन दोनों ने पूरी तरह राइडिंग गियर्स पहने हुए और इसके लिए इनको एक सैल्यूट जरूर बनता है मेरी तरफ से। भाई, अगर तुम भी अगर बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, अगर कोई लंबी राइड के लिए निकलते हो तो प्लीज गियर अप करो। और दोस्तों, ये देखो, यहाँ पे सनराइज भी हो चुका है जो काफी बढ़िया दिख रहा है। दोस्तों, जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ तो एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है, ये सामने वाली बिल्डिंग में जो एयर होल दिख रहे हैं ना, वो क्यों रखा है पता नहीं चल रहा है। और एक नहीं, दो है, क्या पता बिल्डर ने क्या सोच के दो एयर होल्स बनाए रहेंगे। अब सुबह के करीबन 8 बज रहे और हवा में अच्छी खासी नम है, सामने अच्छा खासा कोहरा भी दिख रहा है। मौसम ऐसा ही रहेगा तो राइड करने के लिए काफ़ी बढ़िया होगा, लेकिन शायद 10-11 के बाद सूर्यदेव अपना कहर दिखाना चालू कर देंगे। दोस्तों, हमने ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से लेफ्ट लेते हुए इस कच्ची सड़क से इस रेलवे ट्रैक को जोड़ते हुए चौक इरशालगढ़ रोड से आगे बढ़ रहे। ये ऑफ रोड या फिर कच्ची सड़क जो हाईवे से करीबन 3.5 किलोमीटर लंबी है और इन गांवों से होते हुए आगे बढ़ती है, तो अपने बाइक का स्पीड कंट्रोल में रखो, आपकी वजह से इन गाँव वालों को कोई परेशानी ना हो। और अगर आपकी वजह से इन गाँव वालों को परेशानी होगी तो यहाँ आने वाले जो कोई भी
बाइकर से या फिर बोलते हैं ना कि विजिटर से, उनको इन गांव वालों से तकलीफ होगी, तो अपना बाइक संभाल के चलाओ, गांव वालों को कोई तकलीफ मत दो। ये रहा सामने डैम दिखाई दे रहा है, होप सो आगे डैम पे जाने मिला तो वो भी ट्राई करेंगे। यहाँ से गांव वालों की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेट्स सी क्या होता है। वरती तिकडे जायला जात येतात का? इकडनंच जाऊ ना। थँक यू। तो दोस्तों ऊपर जाने के लिए नहीं मिलने वाला है, अब डैम के किनारे ही हम हमारा टाइम पास करेंगे। होप सो अच्छा लोकेशन, अच्छी जगह हमें वहां प्राप्त होगी। बहुत लंबे समय के बाद ऑफ रोड ट्रिल हम लोग कर रहे हैं तो काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन हमारा कोई बाइकर्स ना गिरे तो ही बेहतर होगा। इन साइकिलर्स को मानना पड़ेगा बॉस, वैसे हम भी साइकिल चलाते हैं लेकिन ऐसा पागलपन हम में नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मंजिल का पता नहीं, कहाँ रुकना है कहाँ जाना है। ये यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, चलो पूछ के देखते हैं। बाइक जाऊ शकते पुढे? मालूम घेतो। ओहो क्या बढ़िया लोकेशन है, क्या बात। और फाइनली कैंपिंग ले जगह अच्छा है यार। एसी बंद हो गया। क्या हुआ? एसी बंद किया मैंने। हाँ बहुत ठंड लग रहा था। हाँ तो अभी भी सुन है, सुन था थोड़ा सा ना। हाँ ठंड अच्छा है लेकिन। हाँ वो पनवेल के बाद ही लगा। तो गाइस बहुत लंबे समय के बाद मैं आपके सामने फिर से लौट चुका हूँ। तो आज इस साल की 2024 की दूसरी राइड है, लेकिन पहले राइड का मैंने व्लॉग बनाया नहीं है, उधर सिर्फ मैं मेरे लिए टाइम निकालने के लिए गया था। और आज मैं आ चुका हूँ आप सबके सामने मोरबे डैम का राइड लेके। तो अभी अब मैं आ चुका हूँ मोरबे डैम, और ये ज़्यादा बाइकर्स को ही पता रहेगा, उसके अलावा मोस्ट ऑफ पब्लिक यहाँ नहीं रहती है। अभी भी हम लोग आए हुए, सिर्फ हम लोग का ही ग्रुप यहाँ पे खड़ा है, उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ आने के लिए आपको, जैसे ही आप पनवेल से आगे आते हो तो यहाँ आने के टाइम पे आपको सिर्फ ऑफ रोड है, तो मोस्ट ऑफ रोड बाइकर्स यहाँ आते हैं, कोई व्हीकल बड़ी आ नहीं सकती अंदर। और ये बहुत करीबन 2-2.5 किलोमीटर का अंदर का रास्ता है जो पूरा ऑफ रोड है, वो करते करते हम यहाँ आ चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ड्रोन शॉट्स ले लेता हूँ और आपके साथ फिर से जुड़ता हूँ, तब तक।
अरे वो लोग आने वाले क्या? आने वाले अभी तक आए नहीं, एक घंटा होने को है, वो लोग गए नाश्ता लाने के लिए अपने लिए। ये लोग का जोमेटो का सर्विस है ना पूरा स्लो है। वो देख आ गए, नाम लिया शैतान आजिर, जोमेटो गैंग आ गई। हेलो, हमने ब्रेकफास्ट मंगवाया था तो हमारे कुछ बंदे लोग गए थे, मंथन और महेश हमारा ब्रेकफास्ट लाने के लिए गए थे, अब भी आ रहे। बट वैसे बहुत दूर है यहाँ से, आपको यहाँ कुछ भी अवेबिलिटी जल्दी नहीं होगी, तो बहुत मेहनत से ये लोग ने कहाँ से तो हमारी पेट पूजा का साहित्य लाया हुआ है समृद्ध। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कुठे गेलेला तुम्ही एवढा आणायला? रस्त्याच्या पलीकडे हायवेच्या। अरे तो एक ही बात कहूँगा, इधर आते हो तो कुछ ना कुछ लेके आओ, अगर आप ऐसे ही आओगे ना तो इनकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। एक घंटे के बाद ये लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आते आते पूरे वड़े वड़े थेपले बन गए। थैंक यू सो मच रिस्पॉन्सिबल राइडर और राइडर ऑफ द ईयर, मैक्सिमम राइडर ऑफ द ईयर, थैंक यू सो मच। वड्याला पण गरम झाले की चटणी वगैरे असेल बघ, चटणी ची हा जाय का ना पूरा ये पूरा ये पाणी। सही मायने में हमारी ये ब्रेकफास्ट राइड है विथ वड़ा पाव और सब लोग यहाँ टूट पड़े वड़ा पाव के ऊपर। तो एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करके अभी हम निकल पड़े हैं हमारे बाइक की तरफ और यहाँ से हम हमारे इस राइड को वाइंड अप करने वाले और यहीं से हम हमारे घर के लिए आगे रवाना होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और आपके फैमिली के साथ आओ। लेकिन जो मैंने शुरुआत में बताया आपको कि यहाँ आते वक्त कोई भी बड़ा व्हीकल मत लेके आओ, लाइक दैट फोर व्हीलर, जो यहाँ आने के लिए आपको बहुत तकलीफ़ वाला काम हो सकता है, बाइक से ही आओगे तो बेटर रहेगा। और ये अभी अराउंड 11:30 हो चुका है और बहुत सारा गर्मी हो रहा है, तो अगर आप आते हो तो आफ्टर 4 o'clock या फिर मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आके 10 बजे तक आप यहाँ पे रुक सकते हो। तो चलो बाय।